कभी कभी चावल सभी के घर पर बच जाते हैं, तो आज हम बनाएंगे टी टाइम नाश्ता, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है और प्याज को इस तरह से आपको छिलका निकाल देना है और इस तरह से कटिंग करना है। हमें इसके लच्छे निकालने हैं, तो आपको देखिए इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसके लच्छे निकाल लेने हैं। अच्छी तरह से आपको इन हाथों से इस तरह से दबाना है, क्योंकि हमारा प्याज हमें लच्छे में चाहिए तो हमें इसे खोलना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है और इस तरह से हाथों से दबाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इसके लच्छे बन जाएंगे। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे लच्छे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिया है प्याज, अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर आधा चम्मच के करीब नमक। नमक से क्या होगा, इसमें पानी जो था वो सभी निकल जाएगा इसका। तो इस तरह से आपको नमक डालने के बाद मिक्स कर देना है इसे, और इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इसका जो पानी है वो बिल्कुल निकल कर बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे रख दूंगी रेस्ट के लिए। अब मैं चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे चावल थे वो हमने जो बचे हुए चावल थे वो ले लिए हैं। तो देखिए आपको जो चावल है बिल्कुल ठंडा होगा आपका, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से मिक्सी जार ले लेना है और मिक्सी जार में आपको चावल को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर आप जितना चाहो उतना चावल ले सकते हो, जितना आपको बनाना है रेसिपी। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब चावल को इसमें ऐड करूंगी और देखिए यहाँ पर इसे ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्राइंड कर इसे ले आई हूँ। तो आपको देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बहुत बारीक आपको इस पेस्ट को बनाना है और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ पर 1 चम्मच दही ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अगर दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 ब्रेड। तो ब्रेड का आपको देखिए ये सिरा आपको बिल्कुल नहीं निकालना है, इसको नहीं निकालेंगे हम। जो इसका ब्रेड का कोना है इसे बिल्कुल भी आपको निकालना नहीं है। इसी तरह से आपको ब्रेड को यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। तो छोटे छोटे पीस करके मैं इसके जार के अंदर डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी से ये ग्राइंड हो जाएंगे और इसको बिल्कुल मत निकालना। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड करती हूँ और देखिए इनको भी आपको इस तरह से ग्राइंड करना है, थोड़ा सा जैसा आप मोटा मोटा बरूदा बनाते हो नारियल का उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ग्राइंड कर ले आई हूँ, यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने यहाँ पर प्याज लिया था उसका क्या करना है। तो देखिए इस तरह से आपको एक खाली बाउल ले लेना है और देख सकते हो यहाँ पर जो प्याज का पानी था वो निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, प्याजों को इसमें ट्रांसफर करेंगे बाउल में। आपको इस तरह से प्याजों को ट्रांसफर कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा प्याज और भी ऐड कर सकते हो, जैसा आप खाना पसंद करते हो उसी तरह से आप इसमें ऐड कर लेना प्याज को। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी निकाल दिया है और देखिए यहाँ पर पानी निकालने के बाद अब मैं इसमें करूंगी कुछ चीज ऐड। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर ले लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने यहाँ 4 से 5 कट करके लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वरना यहाँ पर यहाँ इसकी जगह थोड़ा सा कच्चा आलू भी ले सकते हो आप। और देखिए यहाँ पर हमने धनिया पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। धनिया पत्ता भी मैंने कट करके रखा था बहुत ही बारीक, तो आपको इसे इस तरह से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में आपको ज़्यादा यहाँ पर मिर्ची नहीं लेना है, तो मैंने यहाँ पर खाली जो घर का कुटा मिर्च है वो ही इस्तेमाल किया है। 2 चुटकी के करीब यहाँ पर मैंने हींग डाला है। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाल देना है धनिया पाउडर, जो पिसा हुआ होता है आपका घर पर उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी मसाले हमने ऐड कर दिए, उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमारे प्याजों में पहले ही हमने ऐड कर दिया था, तो थोड़ा सा उसके पानी के साथ निकल चुका है, थोड़ा सा बचा होगा इसके अंदर। तो हम इसमें थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे यहाँ पर और देखिए आपको इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में आपको मैं दिखाती हूँ जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था उसको आपको इस तरह से इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे एकदम नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे ऐड कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो आप बचा सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने ब्रेड का बरूदा बनाया था उसे भी इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैं सभी को ऐड कर लूँगी यहाँ देखिए। तो आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा बचा है उसे हम रख देंगे साइड में, बाद में उसे भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हाथों से इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है आपको, बिल्कुल एक पेस्ट की तरह आपको बना लेना है। आप यहाँ पर अगर चाहो तो इसमें आधा चम्मच या एक चम्मच के करीब बेसन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं बेसन नहीं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो आपको इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है और देखिए मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अब आपको दिखाती हूँ कैसे आपको इसे बनाना है। बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो बरूदा बचा था हमने उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। और यहाँ पर आपको इस तरह से इसे चम्मच से लेना है और हाथों में हल्का ऑयल लगा लेना है आपको, ऑयल या रिफाइंड लगा सकते हो। और इस तरह से इसे बनाकर तैयार करना है आपको। इसका बहुत ही हल्के हाथों से बाउल बना लेना है, जैसे बॉल बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से बनाना है। देखिए मैंने इसे बना दिया है, तो आपको जिस तरह से मैं इस वीडियो में बना रही हूँ उसी तरह से इसे हल्के हाथों से बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं सभी बॉल इस तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी। बहुत ही झटपट से बन जाता है नाश्ता, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना। तो देखिए मेरी यहाँ पर बॉल बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो मेरा नाश्ता बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से अपने घर पर इस नाश्ते को बना सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ कढ़ाई की तरफ। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल में हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑयल बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए और आपको यहाँ पर इसे लो फ्लेम पर पकाना है। जब आप बॉल डाल रहे हो उसके अंदर तो आपको इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर डालना है। उसके बाद में आप 2 मिनट बाद इसे नॉर्मल कर सकते हो गैस को। तो यहाँ पर मैं देखिए इसे अच्छी तरह से पका लूंगी, आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें इस तरह से हला डुला कर पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। और देखिए यहाँ पर एक तरफ से पक चुके हैं, तो आपको इन्हें ऐसे हल्के हाथों से ही, यहाँ पर थोड़ा मुलायम है तो इन्हें हल्के हाथों से ही आपको पलट लेना है। थोड़ा सा मुलायम है उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन्हें हम पलट लेंगे सभी बॉलों को। तो यहाँ पर ये बॉल हमारी देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुकी हैं, तो मैं इन्हें इस तरह से ही हला डुलाऊंगी ताकि एक दूसरे से ना चिपके। और देखिए बिल्कुल भी बॉल यहाँ पर खुली नहीं है, तो आप इसी तरह से इनको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से हो जाता है फ्राई। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब आप इन्हें निकाल लेना कढ़ाई से अंदर। अगर आपको थोड़ा सा कलर और चाहिए तो आप इन्हें 1 मिनट तक और फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस नाश्ते को 6 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें निकाल लिया है, सभी बॉल मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए आप इस नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी नाश्ते को बना लिया है और आप देख सकते हो मैंने इन बालों को इस तरह से बनाया है। तो मेरी बॉल बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से ही आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें बनाकर तैयार कर दिया है। तो आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी।